तो स्वागत है आप सबका इस SCMP की 1.5 डे स्ट्रेटेजी में। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि नया ग्रुप है, नई बिगनिंग्स है, तो भूल जाओ जो भी ग्रुप 1 में हुआ। नाउ योर फोकस शुड बी ऑन द ग्रुप 2। सो कॉन्ग्रेट्स ऑन कंप्लीटिंग योर फर्स्ट ग्रुप। जस्ट रिलैक्स अ बिट, हैव सम शावर, हैव फ्रूट्स, टी, स्नैक्स, जो भी आपको चाहिए फॉर द एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 4.5 आवर्स। जो अगले 4 से 5 घंटे उसमें अब आपने दम लगा के बढ़िया से पढ़ाई करनी है। एक स्टडी टिप दे रहा हूँ, जो भी आपके स्टडी मटेरियल में या नोट्स में मार्क्ड पॉइंट्स हैं उनको बस रीड करते जाना, एंड क्वेश्चंस भी सारे करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके मार्क्ड क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टिव मार्क्ड क्वेश्चंस हैं, उन्हीं पे आपने पूरा फोकस करके चलना है। स्टार्ट योर स्टडीज़ बाय 7 PM, 7 बजे आपकी शुरुआत हो जानी चाहिए विद फुल एंथुजियाज्म, फुल जोश। और सबसे पहले आपने करना है चैप्टर 1 और आपका जो चैप्टर 2 है, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। इन दोनों चैप्टर्स को एकदम शानदार तरीके से करना है। सर एक बात बताओ, हमको अभी ये करते करते क्या करना है? जैसे मैंने आपको बताया, थ्योरी में जहाँ पे भी आपके पास हेडिंग है प्लस उस हेडिंग के नीचे 4 पॉइंट्स है, इनको आप साथ साथ करते चलेंगे, प्लस आपके जो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं इनको आप साथ साथ करना, और एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन जो ICAI ने दे रखे हैं इनको प्लीज़ रीड करते हुए चलना। सर केस स्टडी डाइजेस्ट का क्या करें? केस स्टडी डाइजेस्ट की अगर आपने चैप्टर वाइज मैपिंग कर रखी है तो वो चैप्टर वाइज मैपिंग आप साथ साथ देख के चल सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कीप इट फॉर द एंड। ठीक है, क्या ये बात समझ आई? हाँ सर, 6 घंटे की आपने नींद ले ली है, अगले दिन आपने उठना है, और अब आपने बस जल्दी से तैयार व्यार होके बॉडी वॉडी स्ट्रेच कर लेना, पानी वानी पी लेना, फ्रूट्स वगैरह खा लेना, फिर पूरी एनर्जी के साथ ये 2 टॉपिक्स खत्म करने हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ट्रांसफर प्राइसिंग। ये दोनों टॉपिक्स मिला के आपके 30 मार्क्स के आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इनको एकदम शानदार तरीके से प्रिपेयर कर लेना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग के जितने भी मॉड्यूल के सवाल हैं इनको प्लीज़ अच्छे से कवर कर लीजिएगा। सर ये करने में हमको लगभग कितना टाइम लगेगा? आप इसमें मान सकते हो आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, फिर आप 30 मिनट्स का ब्रेक ले लो, अगेन फ्रेशन अप, हैव योर ब्रेकफास्ट, एंड 10 बजे के आसपास नाउ यू कैन रिज्यूम। अब आप क्या करोगे? अब आप ये 3 टॉपिक्स करोगे, एक तो आपका डिसीजन मेकिंग, एक प्राइसिंग डिसीजन और एक लीन सिस्टम। इन 3 टॉपिक्स को आप लंच तक निपटा लो, अगेन सेम फिलोसफी फॉलो करनी है, ICAI के क्वेश्चंस, ICAI की थ्योरी एंड केस स्टडी डाइजेस्ट की मैपिंग साथ साथ आप करके चलो। आफ्टर द लंच डू टेक अ वॉक, ताकि आपको वो जो लंच के बाद की थकावट होती है, जो सोने का मन करता है वो ना करे, एंड अगेन रिज्यूम बाय 3 PM, 2 या 3 बजे आप रिज्यूम कर लेना, एंड देन यू कैन कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स बाय द इवनिंग। 2 छोटे छोटे टॉपिक्स दे रहा हूँ, अच्छे से कर लेना, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम और कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। ये आपके जैसी 2 क्वेश्चंस हो जाए, 2 चैप्टर हो जाए, फिर आप एक 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, गो फॉर अ वॉक, रिजुविनेट एंड फ्रेशन योरसेल्फ। देन आफ्टर दैट इवनिंग वॉक मैं आपको एक बड़ा टॉपिक दे रहा हूँ जिसका नाम है क्या, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। इसके लिए आप 3 से 4 घंटे ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक छोटी सी बात और बोलूंगा सर, क्या May 23 की जो आपकी RTP है, May 23 के जो MTP के क्वेश्चन है, इनको आपने सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर करके चलना है आफ्टर द डिनर, एंड देन यू कैन स्लीप बाय 12 to 6। ठीक है, 12 से 6 बजे की आप फिर से नींद लेंगे, 6 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। लास्ट डे अब जब आपका आ गया है, नाउ यू हैव टू जस्ट कवर द रिमेनिंग टॉपिक्स इन द ऑर्डर गिवन। सर क्या ऑर्डर रखना है? लास्ट 4 RTPs और MTPs को पहली प्रायोरिटी देनी है, फिर आपका एक चैप्टर है बजेटरी कंट्रोल, ये इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स बन गया, पता नहीं क्यों हाल ही समय में, ये आपका मोस्टली एक थ्योरिटिकल चैप्टर जैसा ही है, तो इसको आप लास्ट का 1 घंटा दे सकते हैं, एंड फिर आपकी जो बुक नंबर 3 है स्टडी मटेरियल की, केस स्टडी बुकलेट, देन यू कैन गो थ्रू दैट। इससे क्या होगा, आपके जितने भी चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ रिवाइज हो जाएंगे, एंड आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लास्ट में बस आपको यही कहूंगा, जस्ट हैव फेथ इन योर एफर्ट्स, बी काम, बी कॉन्फिडेंट, एंड नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग एन एग्जामिनेशन। मेरे कॉस्टिंग में 65+ आए थे सर, कब? जब AIR 1 के खुद के 45 मार्क्स आए थे, तो मैंने यही का यही प्लानर फॉलो किया था। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसी को आप अपना बेस बना के चलें, एंड जैसे जैसे मैंने टारगेट दिए उनको अचीव करते जाएं, फिर मंजिल आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक, एंड या स्टे सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। रॉक कर दो।